हाय एवरीवन, कुकर द बॉम आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ गाढ़ी मलाईदार दही की रेसिपी, जो कि हम घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा बनने वाला है। इसमें ना तो हम फिटकरी का यूज़ करने वाले हैं, ना ही मिल्क पाउडर का यूज़ करने वाले हैं, फिर भी बहुत अच्छा दही बन के रेडी होता है। वैसे तो दही बनाना बहुत आसान होता है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं आगे शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखिए वीडियो को एंड तक। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, साथ में ऑल ऑप्शन पे भी क्लिक कर दे, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पैकेट वाला दूध लिया है। यहाँ पर किसी भी ब्रांड का दूध आप ले सकते हैं, या फिर गाय या भैंस का दूध जो घर पर आता है आप लोगों का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। भैंस का दूध जो होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। गाय का दूध भी चलेगा, लेकिन उसको आप कच्चा ही ले लें, उबला हुआ दूध ना ले। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फुल क्रीम दूध होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी ब्रांड का चलेगा, आप चाहे लो फैट या फिर डबल टोन्ड या फिर टोन मिल्क भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे इतनी अच्छी दही नहीं बनती है। दही जम जाती है, लेकिन इतनी गाढ़ी मलाईदार दही नहीं बनती है। गाढ़ी मलाईदार दही बनाने के लिए आपको फुल क्रीम दूध चाहिए होता है। यहाँ पे हमें दूध को हाई फ्लेम में एक उबाल आने देना है। एक उबाल जैसे ही आ जाएगा, हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे रख देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका दूध कितना पतला है या फिर गाढ़ा है। ज़्यादा पतला है, जैसे कि हम गाय का दूध घर पे मंगाते हैं, थोड़ा पतला होता है, अच्छा दूध कभी कभी मिलता नहीं है, तो उसको आप ज़्यादा देर तक उबाल लें। थोड़ा गाढ़ा दूध होगा तो गाढ़ा दही बनेगा थोड़ा। यहाँ पे आप एल्युमिनियम का बर्तन कभी भी ना लें, क्योंकि ज़्यादातर तक एल्युमिनियम के बर्तन में दूध को उबालते हैं तो अलग से स्मेल आने लगता है इसमें। ये देखिए, इसमें उबाल आने लगा है। अब हम इसको लो टू मीडियम पे रख देंगे और 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे आपको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि दूध जो लग जाता है नीचे से अगर नहीं चलाएँगे। ये देखिए, साइड में जो मलाई वगैरह लग जाता है, इसको स्क्रैप करके हमें इसी में मिलाते जाना है, ताकि वो मेल्ट हो जाए। हमें जो रबड़ी में, जैसे हम मलाई को साइड में लगा देते हैं और बाद में स्क्रैप करते हैं, इस तरह से नहीं करना है। इसे इसी में मिलाते जाएंगे, ताकि क्रीमी और गाढ़ा दूध बन जाएगा और साइड में लच्छा जैसा नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट हो चुका है दूध को उबलते हुए, अच्छा गाढ़ा दूध हो चुका है। अगर आपका दूध पतला है तो थोड़ा और उबाल लें इसको। अब हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा कर लेंगे अच्छे से। अब हम दूध को इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए ठंडा करेंगे। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ऊपर से मलाई जम जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए इस रेसिपी में। जैसे ही दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हम एक व्हिस्क ले लेंगे, जिससे हम अंडे को फेंटते हैं, और इस तरह से इसको फेंटते हुए ठंडा करेंगे तब तक, जब तक कि हल्का सा गुनगुना रह जाए दूध। इससे क्या होगा कि बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे दूध में, और हमारा दही जो है वो बहुत ही क्रीमी बनेगा। अब मैं यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, अगर आपके पास है तो ले लें। मिट्टी के बर्तन से बहुत अच्छा दही जमता है, आपने देखा होगा, हलवाई लोग इसी में जमाते हैं, जैसे कि मिष्टी दही वगैरह बनाते हैं इसी में। नहीं तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, किसी में भी दही जमा सकते हैं। बस ध्यान यहाँ रखना है इतना कि आपको गुनगुना दूध लेना है। ये देखिए, मैं इसमें उंगली डाल के आपको दिखा रहे हूँ। जैसे ही आप उंगली डालें, आप उंगली को थोड़ी देर के लिए इसमें डुबा के रख सकें, इतना गर्म होना चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म होगा तो आपका दही अच्छा नहीं बनेगा, और पूरी तरह से ठंडा होगा दूध तो अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सारा झाग आया है दूध में। इस तरह से झाग आता है ना, इसी के वजह से बहुत ही क्रीमी बनता है हमारा दही। अब हम इसमें 1 चम्मच दही डाल के अच्छे से मिला लेंगे। ये जो दही हम डाल रहे हैं, इसे जामन बोला जाता है। ये वही नॉर्मल दही है जो हम रोज़ खाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दही बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इससे दही अच्छा नहीं जमेगा। 1 लीटर दूध को जमाने के लिए 1 चम्मच दही काफ़ी होता है। यहाँ पर हमें 1.5 चम्मच दही डालना चाहिए था, क्योंकि हमने 1.5 लीटर दूध लिया था, लेकिन मैं 1 चम्मच इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूध अभी भी बचा हुआ है, जिसे हम दूसरे बर्तन में जमाएँगे। अब हम इस पे ढक्कन रखेंगे और किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे जमने के लिए। 8 से 10 घंटे लग जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में जमाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें, जहाँ पे आप इसको रखने वाले हैं वहाँ से आपको दोबारा उठाना नहीं है, ऐसी जगह पे रखें, अगर बार बार हिलाएंगे तो दही जमेगा नहीं। आप इस तरह की जो कैसरोल होता है, जिसमें हम रोटी रखते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं दही जमाने के लिए। इसमें बहुत अच्छा दही जमता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देर तक दूध गर्म रहता है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। बाकी का दूध मैंने इसमें डाल दिया, जो कि 1/2 लीटर का बराबर है, इसलिए मैं इसमें 1/2 चम्मच दही डाल रही हूँ जामन के लिए। दही जमाते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि आप उसमें उंगली डुबा के कुछ देर के लिए रख सके, इतना गर्म होना चाहिए दूध। और बहुत ठंडा दूध में दही जमाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं जमता है। जो जामुन आप यूज़ करने वाले हैं दही जमाने के लिए, वो बहुत खट्टा और बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, और फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूध में जामुन डालने के बाद बार बार नहीं हिलाना है दूध को, एक ही जगह पर रखना है ताकि अच्छे से जम जाए। और एक लीटर दूध के लिए एक चम्मच से ज़्यादा जामुन ना डालें, नहीं तो बहुत खट्टा हो जाता है दही। और इसको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे ये गर्म रहे, जैसे कि माइक्रोवेव के अंदर रख सकते हैं, या फिर किसी कैसरोल में जमा सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर सर्दियों में अगर जमा रहे हैं तो कंबल या स्वेटर वगैरह कुछ रख दें, ताकि ज़्यादा देर तक दूध गर्म रहे और अच्छे से जम जाए दही। दही जमाने के लिए दूध जो है फुल क्रीम और गाढ़ी होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा देर उबाल लें। अब हम इसको छोड़ देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से जम जाए। 8 से 10 घंटे बाद देखिए दही अच्छे से जम चुका था। मैंने इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप दही जमाने रखें तो 2-3 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखें, और इसके बाद आप इसे यूज करें, नहीं तो इससे पहले यूज करेंगे तो ये बहुत सारा पानी छोड़ने लगता है। देखिए कितना अच्छा दही जमा है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। देखिए कितना गाढ़ा दही बना है, जैसे मार्केट वाली दही जैसा लग रहा है, जैसे हम डब्बे में लाते हैं उसके जैसे दिख रहा है बिल्कुल। आप इस तरह से कैसरोल में जमाइए, या फिर मिट्टी का बर्तन आपके पास है तो उसमें भी जमाइए। बस इतना ध्यान रखना है मिट्टी के बर्तन में जो ढक्कन लगा रहे हैं तो अच्छे से लगना चाहिए, नहीं तो आप उस पर एल्यूमिनियम का फॉइल लगा दें, ताकि आपका जो दूध है वो बहुत देर तक गर्म रहे। ये देखिए मिट्टी के बर्तन में भी बहुत अच्छे से दही जमा है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार, बहुत ही अच्छा दही बनता है। और इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है इसमें। घर पर हम बनाते हैं तो प्योर दही बनता है और बहुत अच्छा बन के रेडी होता है, और इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है। रात को आप जमा दें तो सुबह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस तरह से दही जमाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।